हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस पहले हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो उसमें भी वर्ड आया था बल्क। ठीक है, उसको भी हम बल्क बोलते थे। तो बल्क से क्या आ रहा है, इससे मतलब रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके नाम से इसमें वॉल्यूम कंसिडर होगी। तो बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, चेंज होता है वॉल्यूम में। जो वॉल्यूम में चेंज होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये चेंज किस वजह से होता है, प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं किस पे, एक सरफेस के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर, जब हम कुछ डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इसकी शेप में तो कोई चेंज नहीं आता, बट बॉडी अंडरगोज ओनली ए चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जब वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड विच इज गिवन बाय द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है। देन द रेशो, अब हमें क्या होता है, जो बल्क मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेंथ अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हम सपोज करते हैं हमारे पास जैसे कि एक ये हमने कोई भी कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर वाटर है। जैसे हमारे पास एक बैलून है, सपोज कीजिए हमारे पास एक बैलून है, हम उस बैलून के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने प्रेशर लगा रहे हैं, इस बैलून को हमने क्या, इस वाटर में डाल दिया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, प्रेशर लगा दिया। तो क्या हो रहा है, इसकी वॉल्यूम में क्या आ रहा है, इसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इसकी वॉल्यूम में कुछ चेंज आ रहा है। सपोज कर लिया हमने, इसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, डेल्टा वी से चेंज आ रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम वी ले ली हमने और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, डेल्टा वी हो गया अकॉर्डिंग टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, हम इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है और ये वाटर में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे हमने इसके ऊपर कुछ स्ट्रेस लगा रहा है, स्ट्रेस लगा रखा है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, इसके कुछ यूनिट एरिया पे हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, क्या होता है बल्क मॉड्यूलस, होता है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हमें इसके ऊपर ये तो नहीं पता हमने इसके ऊपर क्या फोर्स लगाया, कितने एरिया पे लगाया, बट हमने इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाया और जो हमें प्रेशर उसका पता है। तो हम इसको डायरेक्ट फोर्स अपॉन एरिया की जगह पे हम इसको डायरेक्ट प्रेशर से डिनोट कर सकते हैं। अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम और से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे पी वी अपॉन में डेल्टा वी। ठीक है, हम इसको क्या लिख देंगे, पी वी अपॉन में डेल्टा वी हो जाएगा ये। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है, इसमें नेगेटिव साइन, मतलब हम इसमें नेगेटिव साइन ऐड करते हैं। क्योंकि देखो, जब हम उसके ऊपर बैलून के ऊपर जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर जब हम उसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो उसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्योंकि जब उसके ऊपर से हम प्रेशर हटा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसमें पहले ही नेगेटिव साइन लगा के चलते हैं ताकि हमारे पास बल्क जो मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या, नेगेटिव ना आए। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज इन द वॉल्यूम। उसके बाद में हमारे पास आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ये वर्ड हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी को हम बी से डिनोट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉड्यूलस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है क्या, कंप्रेसिबिलिटी। इसमें अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, पी वी अपॉन में डेल्टा वी होता है। ठीक है, और से पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो जो ये हो जाएगी कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन में प्रेशर, ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है किसकी, बल्क मॉड्यूलस की। और जो बल्क मॉड्यूलस होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है जो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम होता है। सॉलिड में तो कोई चेंज नहीं होता है, लिक्विड में और गैस में क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। तो हम बल्क मॉड्यूलस सिर्फ इन्हीं पे अप्लाई लेके चलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा,
थैंक यू।